आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट ऐप में क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग किस प्रकार से गाइस यहाँ पे करेंगे। अगर आप भी फ्लिपकार्ट से कुछ भी परचेज करना चाहते हैं और आप पेमेंट करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो किस प्रकार से गाइस यहाँ पे आप पैसे पेमेंट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड से फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। और अभी मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप फ्लिपकार्ट पे जो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कैसे करेंगे। इसमें आपको गाइस कुछ भी परचेज करना है, जैसे आपको गाइस वॉशिंग मशीन परचेज करना हो या कोई भी गाइस स्मार्टफोन परचेज करना हो, गाइस आप चाहे तो ईएमआई भी गाइस यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं तो आप जो फुल पेमेंट भी दे सकते हैं। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड से आप जो है फ्लिपकार्ट पे पेमेंट कैसे गाइस यहाँ पे करेंगे। और अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा जिससे कि गाइस आप यहां पे सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप बहुत आसानी से जो है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस यहां पे देखेंगे मैंने जो है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। और फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने गाइस यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको जो भी चीज़ खरीदना है, जैसे मान लीजिए कि मैं गाइस एक यहाँ पे फ़ोन में देख रहा हूँ गाइस यहाँ पे वीवो टी गाइस यहाँ पे 3X सिंपल इस फ़ोन में जाता हूँ। तो गाइस आप चाहे तो इस फ़ोन को भी गाइस यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की हेल्प से खरीद सकते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे देखेंगे इसमें गाइस हो सके तो आपको डिस्काउंट भी गाइस यहाँ पे आपको मिल सकता है। जैसे कि आपको जो भी चीज़ खरीदना है, तो मैं गाइस एक यहाँ पे वॉशिंग मशीन में गाइस यहाँ पे देख रहा था, तो सिंपल गाइस मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूँ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, जो कि गाइस यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे LG कंपनी का वॉशिंग मशीन है 7 kg जो कि 5-star में है, जो गाइस यहाँ पे देखेंगे जिसका गाइस यहाँ पे जो प्राइस है वो है 28,990 रुपये। जैसे गाइस यहाँ पे देखेंगे उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो 1,000 रुपये गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट गाइस यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे और भी गाइस यहाँ पे कई सारे देखने को मिलेंगे। तो मान लीजिए गाइस यहाँ पे आपको इसी वाला गाइस यहाँ पे आपको जो है आपको यहाँ पे वॉशिंग मशीन लेना है, आपको कुछ भी लेना है। जैसे गाइस यहाँ पे मान लीजिए गाइस आपको यहाँ पे इस वॉशिंग मशीन को गाइस आपको जो है EMI में पेमेंट करना है, तो गाइस आप यहाँ पे EMI वाला गाइस यहाँ पे ऑप्शन गाइस यहाँ पे किस प्रकार से देखेंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं गाइस यहाँ पे अगर आप गाइस यहाँ पे इसे जो है EMI में ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्यू नो कॉस्ट EMI। यहाँ पे सिंपल आपको व्यू गाइस यहाँ प्लान पे जाएंगे, इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ है गाइस यहाँ पे नो कॉस्ट EMI। सिंपल आप इसे सर्च करेंगे, जैसे इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ICICI बैंक का गाइस यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे SBI का क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे HDFC का, यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का, यहाँ पे बजाज फिंसर का। इसके बाद आपको नीचे में और सी कहीं दिखेगा। तो मेरे पास गाइस यहाँ पे HDFC बैंक है, मेरे पास गाइस यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है। इसमें आप जाएंगे, जैसे गाइस आप यहाँ पे 3 मंथ का गाइस आप यहाँ पे लेते हैं तो इसमें आपको 1 रुपये भी आपको चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। जैसे आप 6 मंथ का गाइस यहाँ पे लेना चाहे तो 6 मंथ का भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए गाइस यहाँ पे मैं जो हूँ यहाँ पे वॉशिंग मशीन खरीदूंगा, तो अब गाइस यहाँ पे आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कैसे पेमेंट करना है आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे नीचे आपको गाइस यहाँ पे देखने को मिलेगा एक ऑप्शन जिसका नाम है बाय नाउ का। सिंपल यहाँ पे आपको बाय नाउ में जाना है। बाय नाउ पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप गाइस यहाँ पे आपको दिखेगा स्किप एंड कंटिन्यू। सिंपल आपको स्किप एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका गाइस यहाँ पे एड्रेस आपको दिख रहा होगा। सिंपल गाइस यहाँ पे आपको नीचे में कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। जैसे गाइस आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे गाइस आपको जो है यहाँ पे आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे 10% डिस्काउंट। जैसे आप इसमें जाएंगे तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे HDFC बैंक का गाइस यहाँ पे है, तो मेरे पास गाइस यहाँ पे जो 1,000 रुपये मुझे गाइस यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। गाइस अगर मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट करूँगा तो मुझे 1,000 रुपये डिस्काउंट गाइस यहाँ पे मिलने वाला है। तो सिंपल गाइस मैं यहाँ पे सिंपल इसे मैं करता हूँ बैक करता हूँ और यहाँ पे आपको देखिएगा कि मैं जो हूँ यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूँगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको EMI पे लेना है तो यहाँ पे आपको EMI वाला ऑप्शन दिख रहा हो, सिंपल इसमें जाएंगे। उसके बाद अभी मैं आपको बताऊँगा आप एक बार में पेमेंट कैसे करेंगे। तो सिंपल गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सी प्लान का ऑप्शन। सिंपल मैं इसमें जाता हूँ और इसमें जाने के बाद यहाँ पे आप 3 मंथ या 6 मंथ, तो मैं गाइस यहाँ पे 6 मंथ लूँगा। और यहाँ पे देखेंगे इसका जो गाइस यहाँ पे
प्राइस है वो है गई जी यहाँ पे 28,990 रुपये। इसमें जो गई जी आपको बैंक डिस्काउंट मिल रहा है 3,000 रुपये का, और इसमें गई जी आपको टोटल गई जी यहाँ पे जो आपको गई जी यहाँ पे प्राइस आपको देना पड़ रहा है वो है गई जी यहाँ पे आपको 26,000 रुपये। तो सिंपल गई जी यहाँ पे आपको गई जी यहाँ पे चूज प्लान वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे गई जी आप जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का गई जी यहाँ पे डिटेल डालेंगे, सिंपल यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे टैप करेंगे, तो उसके बाद जो है गई जी यहाँ पे आपका जो गई जी यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन गई जी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अब मुझे मान लीजिए कि मुझे एक ही बार में पेमेंट करना है, तो उसके लिए गई जी यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, यानी आपके पास कोई भी कार्ड क्रेडिट हो या डेबिट हो, सिंपल गई आपको इस वाले ऑप्शन में जाना। जैसे इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको कार्ड का नंबर देने को बोलेगा, सिंपल गई जी आप यहाँ पे कार्ड का नंबर डालेंगे तो आपका गई जी यहाँ पे 1,000 डिस्काउंट गई जी यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल गई जी यहाँ पे जाएंगे, और गई जी यहाँ पे जाने के बाद आपका जो है गई जी यहाँ पे जो है उसके बाद आपके पास एक यहाँ पे ओटीपी डालने का ऑप्शन है। जैसे गई आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे गई आपको एक 6 अंक आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, जैसे आप ओटीपी को डालेंगे, ओटीपी डालने के बाद ही आपका जो गई यहाँ पे ऑर्डर सक्सेसफुल गई यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और गई यहाँ पे आपका ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद उसके बाद गई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अकाउंट वाला सेक्शन, सिंपल अकाउंट में आएंगे। अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा इस यहाँ पे ऑर्डर का, सिंपल यहाँ पे ऑर्डर पे आएंगे, और गई यहाँ पे ऑर्डर पे आने के बाद यहीं पे आपको देखने को मिलेगा जी आपने ऑर्डर जो भी अभी आपने ऑर्डर किया है। तो कुछ इस प्रकार से आप जो फ्लिपकार्ट की हेल्प से आप यहां पे ऑर्डर कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।